नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में बड़ी संख्या में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 17,600 शिक्षक पद ग्रहण करने के बाद से गायब हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को इनकी खोज खबर लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। विभाग के मुताबिक फरार शिक्षकों की पहले वेतन कटौती हो रही है। 6 माह से 2 साल तक से फरार 582 शिक्षकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा भी की गई है। गायब शिक्षकों की वेतन कटौती के साथ उनकी वरीयता भी कम की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में नियमित सेवा नहीं देने का जिक्र किया जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि से लेकर प्रोन्नति तक पर पड़ेगा। 19 जिलों के 569 शिक्षकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। इनमें अरवल के 2, बांका के 32, औरंगाबाद के 19, बेगूसराय के 22, भागलपुर के 21, भोजपुर के 24, दरभंगा के 54, पूर्वी चंपारण के 39, गया के 46, खगड़िया के 19, कटिहार 23, मुजफ्फरपुर 19, नालंदा 38, नवादा 23, पटना 53, पूर्णिया 24, सहरसा 23, वैशाली 13, पश्चिम चंपारण के 12 शिक्षक शामिल है। विभाग को सभी 38 जिलों से मिली निगरानी रिपोर्ट के आधार पर 17,600 फरार शिक्षकों में से 13 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इनमें भोजपुर के 3, नवादा के 8, सारण एवं सुपौल के 1-1 शिक्षक हैं। वहीं 235 शिक्षकों को निलंबित करने की अनुशंसा हुई है। पिछले सप्ताह 2,185 शिक्षकों के वेतन कटौती का निर्देश जारी हुआ है। 16,418 शिक्षक 6 माह से कम समय से फरार है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।